नागपुर क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है, ये तो आपने हाल ही के कुछ दिनों में सुना ही होगा। पर क्या आप जानते हैं नागपुर राज्य में दुर्घटना की राजधानी बनते जा रहा है। नागपुर में दुर्घटना और दुर्घटना में मौत के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। आइए देखते हैं इस संदर्भ में ये खास रिपोर्ट। कोरोना के साथ साथ वर्ष 2020 नागपुर वासियों के लिए दुर्घटनाओं की दृष्टि से बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इस दौरान विभिन्न दुर्घटनाओं में 2200 से अधिक लोगों की जान चली गई। मुंबई और पुणे में ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। हालांकि राज्य में दुर्घटना दर नागपुर में सबसे अधिक था। नागपुर में देश तीसरी सबसे अधिक आकस्मिक मृत्यु दर थी। एनसीआरबी अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। वर्ष 2020 में नागपुर शहर में विभिन्न हादसों में 2258 लोगों की मौत हुई। कुल मौतों में से 4.5% दुर्घटनाओं के कारण हुई। वर्ष के दौरान विभिन्न दुर्घटनाओं में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग में सबसे अधिक मौतें हुई। युवकों में मरने वालों की संख्या 945 थी। यह कुल आकस्मिक मौतों का 49.85% था। 18 साल से कम उम्र के 82 लोगों की मौत हुई। हादसों में बुजुर्गों की मौत हो गई, संख्या 417 थी। 45 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के 794 लोगों की विभिन्न दुर्घटनाओं में जान गई। मृत्यु दर 10.3 प्रति व्यक्ति थी और मुंबई और पुणे से अधिक थी। मुंबई में आकस्मिक मृत्यु दर 284 थी, जबकि पुणे में यह 51.5 थी। प्राकृतिक आपदाओं से 2 की मौत हुई। मरने वालों में 1772 पुरुष और 479 महिलाएं शामिल हैं। 2019 में आकस्मिक मौतों की कुल संख्या 2113 थी। लॉकडाउन में कुछ महीनों के लिए घर पर रहने पर भी दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि देखी गई। राष्ट्रीय स्तर पर नागपुर में रायपुर और राजकोट के बाद मृत्यु दर सबसे अधिक है। इन दुर्घटनाओं में न केवल सड़क दुर्घटनाएं बल्कि बिजली के झटके आदि शामिल हैं। महाराष्ट्र TV 24 के लिए आचल लोखंडे की रिपोर्ट, नागपुर।